तो देश छोड़ने के लिए क्या चाहिए? पासपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए? पासपोर्ट। और दूसरे देश में जाने के लिए वीजा। ये दो चीजों का होना जरूरी है, अदरवाइज में आप देश नहीं छोड़ पाएंगे। जैसे पासपोर्ट एक प्रकार का बुक होता है, आप देखे होंगे पासबुक टाइप का होता है। पासपोर्ट बनवाने से पहले आपकी गहन जांच होती है कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं। तो इसके लिए आधार कार्ड लेगा आपका, जन्म को एक डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपका कुछ लेगा जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट, और एक रेसिडेंस के लिए ले लेगा आपका आधार कार्ड ले लेगा या फिर जमीन का कागज या कुछ भी। उसके बाद आप पासपोर्ट जमा करेंगे तो गहन जांच होता है कि आपके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं है। इसके लिए पासपोर्ट ऑफिस में जब आपका डॉक्यूमेंट जांच हो जाता है तो एक उसी डॉक्यूमेंट की कॉपी आपके लोकल थाना को दे दिया जाता है। वो जांच करता है कि आपके ऊपर कोई बड़ा मुकदमा तो नहीं है, आप पासपोर्ट बनवा के भागना तो नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए हमने पहले ही पासपोर्ट बनवा लिए। समझा गया? जैसे अभी आप लोग पे कोई मुकदमा है, आप लोग अभी पासपोर्ट बनवा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बन गया? हाँ बन सकता है, 18 साल से ऊपर रहना चाहिए। हाँ पासपोर्ट की वैलिडिटी 10 साल रहती है। हाँ हाँ एक बार 10 साल बाद रिन्यूअल कराइएगा, एक दो महीना लगा देता है बनने में। तो हमारे घर भर में सब लोग का पासपोर्ट बना के रखे, अगर आपको विदेश जाना होगा तो रख सकते हैं। तो भारत छोड़ने के लिए क्या चाहिए? पासपोर्ट। एयरपोर्ट पे जाइएगा ना तो सबसे पहले देखेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन बोलते हैं उसे, उस वाले एयर 3 घंटा पहले जाना पड़ता है जहाज में, उसमें बड़ी टाइम लगता है। जैसे आपको पटना से दिल्ली जाना है कोई दिक्कत नहीं है, जहाज सिक्योरिटी जांच कराओ जहाज में चल जाओ, लेकिन विदेश जाना है ना तो इमिग्रेशन काउंटर पे जाना पड़ेगा, बड़ी बड़ी झमेला होता है, बाप रे बाप, एक 3-4 घंटा लगा देते हैं यहाँ पे। तो पहला तो आपको अपना देश छोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? पासपोर्ट। आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट किसने बना के दिया है? आपका देश। पासपोर्ट बनवाना कोई बहुत बड़का चीज नहीं होता है, डॉक्यूमेंट जमा करिए दे के चले जाइए, वहाँ पासपोर्ट बन जाएगा आप लोग का। आपका मन किया जाके जापान घूमने तो आप पासपोर्ट रखे हैं, जापान उतर जाइएगा जहाज से, जापान उतरते मार मारेगा बड़ी मार, भाग गया से भाग। तो उसके लिए आपको जापान से पहले पूछना पड़ेगा, मे आई कमिंग सर, तो उसी को कहा जाता है वीजा। क्या कहा जाता है? वीजा। अब अगर आपको जापान जाना है ना तो जापान का एक अधिकारी दिल्ली में बैठा होगा जिसे राजदूत कहा जाएगा, एम्बेसडर या राजदूत। तो उस राजदूत के ऑफिस में आप खुद तो नहीं जाएंगे, उसके एजेंट होते हैं या एक लोअर लेवल का ऑफिसर होता है, अपना पासपोर्टवा उसको देना दीजिए कि लीजिए ये हमारा पासपोर्ट, हम आपके देश में जाना चाहते हैं। तो पूछेगा काहे लिए जाना चाहते, एक फॉर्म भरवाएगा उसमें सब लिखा है काहे लिए जाना चाहते हैं, तो घूमने जाना चाहते हैं, पढ़ने जाना चाहते हैं, इलाज कराना जाना चाहते हैं, नौकरी करने के लिए। तो आपका पासपोर्ट लेगा और उसके बाद वो जांच करेगा कि आदमी ठीक है कि नहीं है यहाँ पर। उसके बाद कहेगा पैसा लाओ, हमारे देश में काहे जाना चाहते हो, कितना? 20,000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 10 दिन 20 दिन घूमने के लिए ना पैसा लेता है, हमारे देश में जाएगा, सांस छोड़ेगा, CO2 बढ़ जाएगा, वहां कचरा फैलाएगा, वहां जाके खाना पीना खाएगा, कहा जाएगा हमारे देश में, वीजा का पैसा दो। तो पैसा देना पड़ता है और फिर आपके पासपोर्ट पर मुहर मारेगा कि इतने तारीख को आप वहां जाके जाना होगा आपको। तो क्या करेगा? मुहर मारेगा कि मेरा देश अलाउ करता है कि आप आइए। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं गया तो लौट के नहीं आया तो जुर्माना लगेगा, उधर मोहर लग गया, अब आप जा सकते हैं अपना देश छोड़ के जापान। अब आप जाएंगे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे पहले दिखाएंगे पासपोर्ट वीजा, उधर उतरिएगा तो देखेगा वीजा, कहेगा जाइए, अब कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं धक धका के चल गए पासपोर्ट में लेके बिना वीजा के, तो वापस जहाज में बैठा के भेज देगा आपको, जाइए यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? तो दूसरे देश में एंट्री करने के लिए अपना देश छोड़ने के लिए, समझ में गया? कुछ ऐसे देश हैं जिनका भारत से इतना अच्छा रिश्ता है कि कहते हैं कि क्या जरूरत है वीजा, क्या जरूरत है पासपोर्ट, जैसे नेपाल, धक दे जाइए, धक दे चलाइए। नहीं समझ में आ गया? आप लोग में जो बॉर्डर पे होंगे वो लोग को आइडिया होगा, नेपाल बॉर्डर के पास में होंगे तो हिल जाते होंगे, यहाँ पर पैदल चल जाते हैं। नेपाल घर है आपका कहाँ? रक्सौल। तो रक्सौल से तो कितना दूर है ये, वहाँ पर पैदल चल। हाँ कोई गाड़ी उड़ी लेके जाएगा तो भंसा कटाना पड़ता है,
वहां पे एक तो होता है भंसा, एगो परमिट लेना पड़ता है कि हाँ गाड़ी लेके जा रहे हैं, फोर व्हीलर लेके जा रहे हैं यहाँ पर, तो वो एक रसीद काट के देगा, उसी को बोलता है भंसा कटा रहा है। वापस आएंगे तो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कहेगा ये गड़िया गया था नेपाल अभी नहीं किया। तो वही रसीद परमिट बोलिए, नेपाली भाषा भंसा कटा लीजिए, उसको भंसा बोलता है नेपाली में। हाँ एक्चुअल वो परमिट कि आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, रिकॉर्ड रहना चाहिए गाड़ी उधर गई है, वापस आ रही है कि नहीं आ रही है। रक्सौल हो गया, सीतामढ़ी के आगे वाला एरिया हो गया, समझ में आ गया कि नहीं, मधुबनी हो गया, ये सब एरिया से जा सकते हैं आप, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जा सकते हैं आप, समझ में आ गया कि नहीं। गया कुछ देश जो भारत को है वो कहते हैं कि भारत के टूरिस्ट अगर, अब देखो वीजा नियम इतना टफ है कि कोई घूमने आएगा तो बड़ी दिक्कत है, नहीं समझे। अभी हमको चाइना जाना है तो हम पासपोर्ट जमा कर दिए, कहां पे, उच्चायोग में, चाइना के राजदूत के पास, अब वो गहन जांच कर रहा है मेरा, और उसके बाद जांच कर लेगा तो मोहर मार के पासपोर्ट पे हमारा दे देगा, हम कहां चल जाएंगे, चाइना। अब पूछेगा कितना तारीख से कितना तारीख के बीच में चाहिए, उतने के बीच में हमको आ जाना है, नहीं तो फाइन लगा देगा वहां, कुछ पैसा जुर्माना लगा देगा, और उसमें से रीजन पूछेगा इतना लेट काय हो गया, कहेंगे कि फ्लाइट के टाइम सुतले रह गए थे, हाँ तो हमारा छूट गया, तब कहेगा ठीक है तब। कुछ ना कुछ वैलिड रीजन होना चाहिए। तो ऐसे चल जाएगा चाइना, चल जाएंगे ऐसे ही, पता नहीं वापस वो भेजेगा सर कि उधर ही रख लेगा सर। कोई ठीक है, वहां जाने से पहले पता कर रहे वहां इंडियन होटल कौन है, तो उधर इंडियन होटल बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा है इंडियन होटल, वो चाइनीज होटल में कौन जाएगा, कौन सी खिला देगा, कोई ठीक है, कुकुर बिलार सुअर कुछ खिला देगा, डर लगता है उस सबसे, मगरमच्छ वगैरह कुछ खिला देगा, तो वहां कोई होटल है तो पता कि हाँ, वही में एक पता चला कि एक और है वहां पे, शुद्ध बिहारी यूपी वाला खाना खिलाता है, नहीं तो चाइना वाला। तो आपको दूसरे देश में जाना है तो क्या चाहिए, अपना देश छोड़ना, वीजा भी कई टाइप का होता है, घूमने वाला टूरिस्ट वीजा इजी मिल जाता है, मेडिकल वीजा इजी मिल जाता है, पढ़ने वाला वीजा इजी मिल जाता है, क्योंकि इससे उसी देश को फायदा है, घूमने जाइएगा उसी देश को फायदा, इलाज कराने जाइएगा उसी देश को फायदा, पढ़ने जाइएगा उसी देश को फायदा। लेकिन वर्किंग वीजा बड़ी मेहनत मुश्किल से मिलता है, जल्दी वर्किंग वीजा मिलता ही नहीं है कि आप आके वहां काम कीजिए, वर्किंग वीजा मिलना बहुत मुश्किल होता है, वर्किंग वीजा मिल गया तो टेंशन खत्म, जाके वहां आप काम कीजिए। भारत से बहुत सारे लोग विदेश में जाके काम कर रहे होते हैं, बड़ा मुश्किल से काम करते हैं, बहुत मेहनत से पैसा भेज रहे होते हैं, यहाँ लेके भले उड़ा देते हैं। अब आगे का क्लास कल समझ